अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप भी खैरियत से होंगे। आज हम मोहम्मद आमिर के फैंस के लिए जो अपडेट लाए हैं वो बहुत ही जरूरी है और फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। जी हां व्यूअर्स, आपको आगाह करते चलें कि मैथ्यू हैडन और चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने मोहम्मद आमिर के फैंस को बड़ी खुशखबरी सुना दी। हाँ तो नाजरीन, आपको आगाह करते चलें कि पाकिस्तान टीम के हेड कोच और चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने क्या कहा मोहम्मद आमिर के फैंस को, किस लिए उन्होंने बड़ी खुशखबरी उनको सुना दी। उन्होंने कहा कि मोहम्मद आमिर एक फास्ट बॉलर है और एक सीनियर खिलाड़ी है। हमारी टीम में इनके जैसा कोई भी फास्ट बॉलर सीनियर खिलाड़ी नहीं है, इसलिए इन्हें शामिल किया जाता है पाकिस्तान बामुकाबला भारत मैच में। जी हां दोस्तों, आपको मुकम्मल अपडेट से आगाह करते चलें। उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी इस तरह की नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे और आप रहें बाखबर। और मोहम्मद आमिर ने दुबई पहुँचते ही सख्त से सख्त प्रैक्टिस की और इसकी वजह यही है कि उन्हें टीम में शामिल कर लिया गया ICC T20 World Cup के लिए। और चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने यह भी कहा कि मोहम्मद आमिर एक अच्छा बॉलर है, हमें इनसे बहुत सारी उम्मीद रखनी चाहिए।